नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पायरोमीटर को हमने लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से समझा था कि पायरोमीटर एक ग्रीक वर्ड पायरो से मिलकर बना है, और पायरो का मतलब होता है फायर या हाई हीट। तो ऐसे सभी मीटर्स, इंस्ट्रूमेंट जो इस हाई हीट को मेजर कर लें, पायरोमीटर कहलाते हैं। ऑप्टिकल पायरोमीटर हमारा पायरोमीटर का ही एक टाइप है, जिसका यूज़ हम हाई टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। और ये जो हाई टेम्परेचर है, यह जनरली पाया जाता है हमारा मोल्टन मेटल या फिर हमारा ओवरहीटेड मटेरियल या फिर फर्नेस के पास। इसकी अच्छी क्वालिटी क्या होती है पायरोमीटर की, हमने लास्ट क्लास में भी देखी थी। ये हमारे नॉन कॉन्टैक्ट टाइप के होते हैं, यानी कि जिसका भी टेम्परेचर हमें मेज़र करना होता है उसको कॉन्टैक्ट में लाने की ज़रूरत नहीं होती, दूर से ही हम उसका टेम्परेचर मेज़र कर सकते हैं। क्योंकि यह बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, चलिए इसके टेम्परेचर रेंज को देख लेते हैं। यह जनरली 700 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। चलिए, बात आती है अब इसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझने की। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो पायरोमीटर होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे रेडिएशन पे वर्क करते हैं। मगर यहाँ पे इस रेडिएशन का यूज करके हम यहाँ पे कुछ कलर क्रिएट करते हैं, यानी ब्राइटनेस लाते हैं। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम ब्राइटनेस का यूज़ करते हैं, यानी ब्राइटनेस को कंपेयर करते हैं। और इस कंपैरिजन से हमें क्या मिलता है, टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का, जिसको भी हमें मेजर करना होता है। मगर यहाँ पे जो ब्राइटनेस का कंपेरिजन कर रहे हैं वो ड्यू टू रेडिएशन, रेडिएशन के कारण जो हीट होगी उसके कारण ही यहाँ पे ब्राइटनेस में कंपैरिजन हमें मिलता है। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को देख लेते हैं। देखिए, बहुत सिंपल है, हमें एक हॉट बॉडी चाहिए होती है जिसका भी टेम्परेचर हमें मेजर करना होता है। इस हॉट बॉडी से हमारी रेडिएशन एमिट होती है, ठीक है, ये हमारी रेडिएशन को निकालता है चारों डायरेक्शन में। अब हमें चाहिए एक इंस्ट्रूमेंट। देखिए, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सिंपल बना हुआ है, एक सर्कुलर बॉडी है, ये हमारी बॉडी है जो कि एक सर्कुलर या फिर कहें सिलेंड्रिकल शेप में है। इसकी स्टार्टिंग में हमारे एक लेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये लेंस कैसा है दोस्तों, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, हिंदी में इसे उत्तल लेंस कहा जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कहें या उत्तल लेंस कहें, इसकी एक क्वालिटी होती है, वो ये होती है कि इसके अंदर से आप जितनी भी रेडिएशन या लाइट्स को पास करवाते हैं उसको एक पॉइंट पर फोकस किया जा सकता है, जो कि आप जैसा भी डायग्राम में देख रहे हैं। इसके अंदर जितने भी रेडिएशन आई है हमने उसे एक पॉइंट पे फोकस कर दिया, और किस पॉइंट पे फोकस किया है दोस्तों, एक फिलामेंट के ऊपर। यह फिलामेंट हमारा टंगस्टन मटेरियल का बनाया जाता है। इससे पहले कुछ कुछ आप एब्जॉर्बर भी यूज कर सकते हैं, ओके, ये डिपेंड करता है आपके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। यहाँ पे हमने एब्जॉर्बर भी लगा दिया। यह फिलामेंट इसका मेन हर्ट है, इसी की वजह से यहाँ पे हम टेम्परेचर को मेजर करेंगे। यह फिलामेंट कनेक्ट होता है एक सर्किट से, जैसा आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जिसके अंदर एक हमारा रियोस्टेट है, रेसिस्टेंस जो कि वेरिएशन करेगा, बैटरी है, और एक हमारा एमीटर है। एमीटर करंट को मेजर करेगा, बैटरी से हम पावर प्रोवाइड करेंगे, और रियोस्टेट जो क्या करता है, इस करंट को कम और ज्यादा करने में हेल्प करता है, ठीक है। यह कनेक्ट हो गया वापस आपके फिलामेंट से। आगे चलते हैं, एक हमारी रेड यहाँ पे फिल्टर यूज किया गया है जो कि लाइट को मोनोक्रोमेटिक बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद यहाँ पे एक फिर फर्दर लेंस यूज किया है जो कि इस रिफ्लेक्शन को फिर इक्वल कर दे, और यहाँ पे आई पीस है जहाँ पे हम आई को लगा के, मतलब एकदम सटा के नहीं, पास में लाकर इजिली यहाँ पे होने वाले चेंजेस को देख सके, ठीक है। काम कैसे करेगा, यहाँ से रेडिएशन आई, लेंस ने इसे फोकस कर दिया इस फिलामेंट के ऊपर। यह फिलामेंट क्या हुआ, इसने अपने आप को हीट करना स्टार्ट कर दिया, गर्म करना स्टार्ट कर दिया। मगर स्टार्टिंग में यह इतना अपने आप को गर्म नहीं कर पाता जितना कि यह खुद होता है। तो क्या करते हैं दोस्तों, इस इलेक्ट्रिक सर्किट का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, हमें स्टार्टिंग में चाहिए इसका टेम्परेचर और इस फिलामेंट का टेम्परेचर इक्वल बनाना है। तो इस रियोस्टेट की हेल्प से हम करंट को कम या ज्यादा करते हैं। कितना कम या ज्यादा करते हैं, बस इतना कि इसका टेम्परेचर इसके टेम्परेचर के इक्वल हो जाए।
देखिए, जब यह टेम्परेचर इक्वल होगा और अगर आप इसे आईपीस से देखेंगे तो क्या होगा, ये फिलामेंट आपको नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगी, इसकी टांग। ठीक है, तो आते हैं दो नंबर पे। यहां पे क्या हो रहा है, आपको टांग दिख रही है इसकी फिलामेंट की और ऊपर कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको याद रखना है, जब ऐसी सिचुएशन आए कि फिलामेंट ना दिखे, उस समय हमारी बॉडी का और हमारे टंगस्टन फिलामेंट का टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, याद है। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या थी हमारी कंडीशन, इस पे इतनी हीट नहीं लग रही थी इसलिए ये हमारा बहुत डार्क था। जब भी कभी ऐसी कंडीशन आए कि ये बहुत डार्क हो, तब दोस्तों आपको याद रखना है उस समय ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, फिर हम उसे बढ़ाते हैं जैसे भी हमने इसे बढ़ाया था। और तीसरी कंडीशन ये है कि अब हमने इक्वल तो कर लिया, अब हम इसका टेम्परेचर और बढ़ाते हैं। टेम्परेचर और बढ़ाने से क्या होगा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ जाएगी, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा हीट कर लेगा। और जब हीट करेगा तो क्या कलर हो जाएगा इसका दोस्तों, ब्राइट कलर हो जाएगा। आइए तीसरे नंबर पे, और इसका इंडिकेशन आप समझ गए होंगे कि आपका ऑब्जेक्ट हॉट है। तो इस तरह से हम अलग अलग पॉइंट को विजिबलाइज करके मेजर कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। तो ये था दोस्तों हमारे ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में। इसकी एक डिसएडवांटेज ये है कि बार बार रेडिएशन इस लेंस पे पड़ती है तो इस लेंस पे दोस्तों रस्ट पड़ जाती है, धूल पड़ जाती है, स्मोक भी जमा हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। और साथ के साथ अगर आपका कोई भी ऐसी बॉडी है जैसे कि ग्लास, जिसके अंदर हमारी विजिबिलिटी ना हो कलर की, लाइट की, तो वहाँ पे भी टेम्परेचर को मेजर करने में दिक्कत आ जाती है। बाकी अच्छा है, सिंपल कंस्ट्रक्शन है। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट हमारा ऑप्टिकल पायरोमीटर के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।